नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर डॉट कॉम पर और मैं हूँ पलक गुप्ता। आइए डालते हैं एक नजर राजस्थान की खास खबरों पर। राजस्थान के मुख्यमंत्री बजनलाल शर्मा ने सीएमआर में उद्योग और सेवा क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व बैठक की। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ भी बैठक में शामिल हुए। राजस्थान रोडवेज में यात्रा करने वाले वरिष्ठ नागरिकों को 50% रियायती दर पर ऑनलाइन बुकिंग सेवा पुनः सुचारू रूप से संचालित। भजनलाल सरकार का एक और बड़ा तोहफा, पुलिस भर्ती में अब महिला आरक्षण बढ़ाकर किया 33%। राजस्थान में हीटवेव और उमस ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, 9 जिलों में हीटवेव का अलर्ट। सीएम भजनलाल से डॉक्टर्स बोले, चिरंजीवी सदी की असफल योजना, गहलोत ने हार्निया का ऑपरेशन मुंबई में करवाया। सीएम के बयान पर गहलोत का जवाब, कहा चिरंजीवी योजना शुरू होने से पहले हुआ था ऑपरेशन। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह केवंसर ने मौसमी बीमारियों की तैयारियों के लिए समीक्षा बैठक की। राजस्थान विश्वविद्यालय का 33वां दीक्षांत समारोह आयोजित, राज्यपाल ने राजस्थान विश्वविद्यालय में संविधान पार्क का किया लोकार्पण, कहा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के समक्ष मानव मूल्य बचाए रखने की चुनौती स्वीकार करते कार्य हो। जयपुर में जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के AEN और वरिष्ठ सहायक 30,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत अलवर पुलिस ने पकड़े 5 साइबर ठग, सेक्सटॉर्शन एवं सोशल मीडिया पर विज्ञापन डाल करते थे ठगी, ठगी में प्रयुक्त 6 मोबाइल जब्त। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा की मुस्तैदी आई सामने, जयपुर जा रहे वन मंत्री ने हाईवे पर पकड़ी अवैध लकड़ियों से भरी पिकअप, DFO को मौके पर बुलाकर कराया जब्त। जयपुर में रघु विहार के रिहायशी इलाके में स्थित एक इमारत में लगी आग, पेंट और ऑयल का अवैध स्टोरेज कर रखा था। जयपुर के स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी, मेल में लिखा बम कभी भी फट सकता है, सभी जल कर राख हो जाओगे। भीलवाड़ा में सार्वजनिक तालाब को दूषित करने का आरोप, ग्रामवासियों ने SDM CEO एवं कलेक्टर से लगाई हस्तक्षेप की गुहार। दौसा में बिजली की अघोषित कटौती और पानी की समस्या को लेकर जिले की ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों के पदाधिकारियों द्वारा SDM को ज्ञापन सौंपा। जोधपुर में 2 साल से पुलिस को चकमा दे रहा था इनामी तस्कर, DST टीम ने वेश बदलकर घर दबोचा। दौसा में PG कॉलेज में छात्रों ने द्वितीय सेमेस्टर में 100% की जगह 50% सिलेबस की परीक्षा लेने की मांग को लेकर प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। पिछली सरकार के अंतिम 6 माह के निर्णयों को लेकर सचिवालय में मंत्री गजेंद्र सिंह केवंसर की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक, भू आवंटन सहित अन्य मसलों को लेकर की समीक्षा। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी खबरें विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.khaskhabar.com पर लॉगिन करें और प्ले स्टोर से हमारे ऐप खास खबर को डाउनलोड करें। नमस्कार।